हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल। एक्सेल की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि एक्सेल की पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि काउंट, काउंटिफ, काउंटिफ कैसे होते हैं, क्या करते हैं, काम क्या करते हैं, तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे लॉजिकल फंक्शन। लॉजिकल फंक्शन का मतलब होता है वो फंक्शन जो लॉजिक पे ही वर्क करता है। लॉजिकल फंक्शन में हम लोग जो फॉर्मूला पढ़ेंगे वो है इफ, इफ एंड, इफ और नेस्टेड इफ। तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक शुरू करते हैं जो कि है इफ। देखिए दोस्तों, इफ मतलब हमें एक कंडीशन देनी है और कंडीशन के ही बिहाफ पे हमें फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। अब मान लीजिए यहां पे हमारा क्या दिया है, नेम दिया है, ठीक है, और ये स्टूडेंट के मार्क्स दिए हैं, और यहाँ पे हमें कंडीशन बतानी है पास की फेल, ठीक है। अब हम कंडीशन ऐसे भी बता सकते हैं कि जो 50 के ऊपर है सब पास है और 50 के नीचे वाले फेल हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम मैनुअली भी लिख सकते हैं नंबर देख के, पर हमें किस पे करना है, फॉर्मूले पे, ठीक है। तो आइए फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। पहले यहाँ पे हम लोग कंडीशन लिख देते हैं। कंडीशन क्या लिख देते हैं, ठीक है, कंडीशन हम लोग लिख देते हैं ग्रेटर देन 50 पास, ठीक है, और लेस देन 50 फेल। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम लोग इसी को फॉर्मूले में लिखते हैं। हमने क्या कहा था, जैसे कि पिछली क्लास में हमने बताया था आप लोगों को कि कंट्रोल इंटर से हम लोग डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं, ठीक है। तो आइए इसको सेलेक्ट कर लेते हैं पूरा। अब फॉर्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू, हमने क्या कहा, इफ टैब। अब पूछा लॉजिकल टेस्ट, आपका लॉजिक क्या है, तो लॉजिक क्या है कि ग्रेटर देन 50 जो हो वो पास हो जाए, ठीक है। तो हम कहेंगे कि मार्क्स वाला सेल जो है, दिस सेल इज ग्रेटर देन 50। इसको लिखने के बाद आप क्या करेंगे, कॉमा। अब पूछ रहा है वैल्यू इफ ट्रू, तो वैल्यू इफ ट्रू मतलब आपको क्या आंसर चाहिए, जो हमें क्या चाहिए, पास। अब देखिए पास जो लिखना है वो एक आपका अल्फाबेट में है, टेक्स्ट है, तो उसको हम डबल कोट में लिखेंगे, डबल कोट पास, ठीक है, फिर डबल कोट बंद, फिर कॉमा। अब वो कह रहा है कि अगर ये कंडीशन ना फॉलो करे, जो ग्रेटर देन 50 ना हो, तब क्या है, तब हमने कहा आ जाए फेल, ठीक है, डबल कोट बंद, ब्रैकेट बंद। अब हमने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था कि क्या कर देंगे, कंट्रोल इंटर। देखिए दोस्तों सबका आंसर आ गया। देखिए जो 50 से ऊपर है उनका सबका पास है, और जो 50 या 50 से नीचे है उनका फेल है। आंसर, अरे फॉर्मूला देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल टिल्ट कर देंगे। देखिए सब में फॉर्मूला आ गया, इज बी एट, इफ बी एट इज ग्रेटर देन 50, बी नाइन इज ग्रेटर देन, बी टेन इज ग्रेटर देन, तो जो जो ग्रेटर देन 50 है सब में आंसर क्या आया है हमारा, पास, और जो जो ग्रेट लेस देन 50 है उसमें आंसर क्या आया है, फेल आया है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या कमेंट में भी लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।